फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट में। आज हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको फॉर्मूलाज बताएंगे कि आपको फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में कैसे आपको चेंज करना है, वो भी हम आपको बता देंगे। चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स करना क्या है कि यहाँ पर आपको दो फार्मूलाज आपको रहते हैं, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है। तो केल्विन का ये फार्मूला यूज़ करते हैं, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और इससे आप सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। और दूसरा फार्मूला है जो फ़ारेनहाइट से आप सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में से किस फार्मूला की यूज़ आएगा हमें, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट दिया है आपको और निकालना आपको सेल्सियस स्केल में है, तो हम सेकंड फार्मूला को यूज़ करेंगे। चलिए अब यूज़ करते हैं, इसे फार्मूला यूज़ करेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या दिया है आपका, तो वैल्यू देखिए आपका दिया हुआ है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यूज़ करेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे इसको। एलसीएम लेंगे हम, तो जैसे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to 10 1 15 1 16 ये आ जाएगा आपका इधर मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और -160। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 कैरी तो 40 42, 4 कैरी 45, 45 और 4 49, माइनस करेंगे 160 और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए तो माइनस करते हैं, 2 3 3 / 9 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ये कितना निकल कर आ जाएगा डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं, नाइन थ्री जा 27 अप्रॉक्स 96.89 डिग्री। कैसा लगा आपको इस ये वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसा लगा आपको, इज़ इट यूज़फुल और नॉट। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।